Hey guys, welcome back to my channel Metro Bites. मैं हूं आपका दोस्त आर के और स्वागत करता हूं आपका एक नए फूड ब्लॉग पे। तो आज के इस वीडियो में हम हैं वसई ईस्ट में और हम ट्राई करने वाले हैं सैंडविच, और इसको खाने के लिए हम आए हैं श्री साई सैंडविच सेंटर में। और इसकी लोकेशन मैं आपको बताना चाहूँ तो ये है, सिचुएटेड है लिंक रोड में, वसई ईस्ट पे। लिंक रोड बिल्कुल मेरे पीछे है और मेरे लेफ्ट साइड पे है डोमिनोज पिज़्ज़ा और राइट साइड में PNB बैंक, और ये जो बिल्डिंग है वो है रश्मि दिव्या बिल्डिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आइए चलते हैं और इन्जॉय करते हैं अपने सैंडविच को। गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं श्री साई सैंडविच सेंटर में और हमारे साथ में यहाँ के ओनर मिस्टर राजकुमार भगत, प्यार से लोग इनको राज भी कहते हैं, नाम तो आपने सुना ही होगा। तो आइए इनसे ही पता करते हैं कि ये इतना टेस्टी सैंडविच बनाते कैसे हैं। ये यहाँ पे हर दिन रोज 4 से 5 kg ये चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और 2 से 2.5 kg ये यहाँ पे बटर इनका इस्तेमाल होता है। ये अमूल बटर, ये मेयोनीज, ये पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस, ओके। सैंडविच में भी उसका इस्तेमाल। उसके बाद ये ले ली चटनी। चटनी, ये चटनी कौन सी है? तीखा चटनी। इसमें क्या क्या यूज करते चटनी में? धनिया, मिर्ची, पुदीना, अदरक। ये आगे अपना पनीर। ओ भाई साहब, देख लो गाइस, देखो ये सैंडविच जो है वो पनीर से एकदम लोडेड है, और उसके ऊपर आ गया ये कैप्सिकम और टमाटो, मतलब वेजीज आ गए इसके ऊपर, और अभी आ रहा है इसके ऊपर कांदा, कांदा ऑनियन, ये आ गई ये कैबेज, ये आ रहा है फ्लेवर के लिए इनका सीक्रेट मसाला। फिर ये आ गया मूलची, मतलब यहाँ पे आओगे आप सैंडविच खाने तो आपको चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है। ये फिर आ गया अमूल बटर, वापस से लग रही है अमूल बटर की। फिर आ गया ये चटनी, मेयोनीज और एक पिज्ज़ा। फिर वापस अमूल बटर, वापस अमूल बटर, ये चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। आप ये आपकी ड्रिल करने की मशीन, और इसको ड्रिल होने में टोटल 2 मिनट समय लगने वाला है। 2 मिनट, ओके। ये अपना सैंडविच बन के रेडी, ग्रिल। ये सैंडविच कम पिज्जा ज़्यादा दिख रहा है, तो चीजी ग्रिल, चीजी ग्रिल, चीजी ग्रिल। ये आपका सैंडविच रेडी, और ये सॉस भाई। दिखने में तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ी है, आपने देखा है इसको कैसे बनाते हैं। इसके ऊपर चीज़ के लेयर है, पनीर भरा पड़ा हुआ है, वेजीज़ हैं, वेजीज़ में कैप्सिकम है, टमाटर है, अनियन का इस्तेमाल किया गया इसको बनाने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा टैंगी, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है मुझे तो लग रहा है। सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं और शेयर करते हैं आपसे इसका रिव्यू। जैसे इसको बनाया गया ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था मुझे दिखने में ही। जैसे इसकी फर्स्ट बाइट, चीज़ और पनीर पूरा भर के है इसके अंदर, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इसके साथ में आपको टमाटो सॉस और ग्रीन चटनी मिलती है यहाँ की, जो इसके साथ आप इसको टेस्ट कर सकते हो। तो एक बार वापस में इसको ग्रीन चटनी और टमाटो के साथ में ट्राई करता हूँ। डिलीशियस। यहाँ का सैंडविच का टेस्ट कैसा है? एकदम डिलीशियस और अच्छा है, हम लोग काफ़ी टाइम से खा रहे हैं। एवरी सैंडविच इज गुड, दे आर प्रोवाइडिंग जैन सैंडविचेस ऑल्सो, वी आर जैन एक्चुअली, तो वी आर हैविंग ऑल। तो हमारे साथ यहाँ के और भी कस्टमर है जो यहाँ का जेन्यून रिव्यू देने वाले हैं, तो आइए पता करते हैं इनसे। मेरा नाम अरुण है, यहाँ का सैंडविच करीब मैं 5 साल से खाते आ रहा, 5 से 7 साल होने आ गया। बाहर वो छोटा सा पहले लगाते थे, तब से मैं आता हूँ, हम लोग यहाँ पे बैठ के खाते थे, तब से मैं, मेरे को यहाँ का सैंडविच बहुत पसंद है, तब से मैं इनके पास ही खाता हूँ। मैम, आपको यहाँ का सैंडविच कैसा लगता है? सेम सेम, अच्छा लगता है मुझे भी, और पहले यहाँ पे लगा था तो हम यहीं बैठ के खाते थे। अभी तक ये सैंडविच की शॉप थोड़ी सी अंडररेटेड है, लेकिन आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप लोग यहाँ पे अपना प्यार दिखाओगे, यहाँ पे आओगे, यहाँ के सैंडविच को टेस्ट करोगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।